बड़ा खुलासा हुआ है और दहशतगर्द विकास को मंत्री ने शरण दी थी। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विकास दुबे को मंत्री ने शरण दी थी, कारोबारी ने मदद की थी, वकील ने साथ दिया था। तो योजना के तहत महाकाल में गिरफ्तारी कराई गई थी। कानपुर पुलिस के ऑफिसर ने इसका खुलासा किया है। नेताओं को ढाल बना करके विकास घूमता रहा, 7 दिनों तक घूमता रहा विकास दुबे। तो पूछताछ में राजनीतिक संरक्षण की अब पुष्टि हुई है। यूपी एमपी के बड़े नेताओं से उसके संपर्क थे। विकास की मौत से कुछ समय पहले याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो रात 2 बजे ई फाइलिंग से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एमपी के बड़े कारोबारी ने बहुत साथ दिया है। तो जैन से आते समय पुलिस वालों से बोला, मुझे कुछ महीनों साल भर में बेल मिल जाएगी। नेता वकीलों के इशारे पर घूमता रहा था विकास दुबे। तो एक बहुत बड़ा अपडेट अब निकल करके सामने आ रहा है। अवनीश दीक्षित हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अवनीश, इस पूरे मामले पर और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या पता लग पाया है, कौन वो लोग थे जो लगातार विकास दुबे की मदद कर रहे थे? बिल्कुल, विकास को राजनीतिक छतरी मिली थी और सभी कानून के जो ज्ञाता थे लोग थे वो बराबर मदद कर रहे थे। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। जो उपाध्याय वकील साहब है, इन्होंने रात में 2 बजे फाइलिंग की थी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग उसको बराबर वो घूम रहा था, किसी ना किसी आदमी की मदद से नहीं, कई लोग एक काकस था जो उसको पूरे मदद कर रहा था। उसमें एक वरिष्ठ मंत्री भी थे सरकार के और उसमें शराब कारोबारी भी था जो एमपी का, जो रहने वाला कानपुर का लेकर एमपी मुसलमान कारोबार कर रखा था। और फिर प्लान तरीके से पूरी गिरफ्तारी कराई गई थी। तो उसको ये उम्मीद थी कि उसको जो फाइलिंग कर दी है, जो उसमें याचिका दायर कर दी है, उससे उसको कुछ ही महीने जेल में रहना पड़ेगा। और इस बात की उसने अपने जो पुलिस अधिकारी खुला रहे थे उसने चर्चा भी की थी, मुझे कुछ महीने जेल में रहना पड़ेगा, उससे मुझे जमानत मिल जाएगी। इसे रातों रात में याचिका दायर करवा दी गई। तो पूरा एक खेल सजा दिया गया था एनकाउंटर का। इसलिए एमपी में एनकाउंटर कराया गया, एक नहीं कई ऐसे उदाहरण है जो यूपी के लोग जहाँ जाकर एमपी में एनकाउंटर करते हैं। उनकी वहाँ एमपी पुलिस बहुत जल्दी पैसे में बिक जाती है। एमपी नेता को पैसे में इस कदर बिक जाते हैं, पैसे में कुछ भी कर सकते हैं। और इसका उदाहरण एक नहीं कई है। इससे पहले अगर हम बीता 3-4-5 दशक के पीछे भी जाए तो जितना डकैत, जितना दस सरगना उत्तर प्रदेश में नगदी डालता था, हत्याएं करता था, पुलिस वालों की हत्याएं की गई, जनता की लूट की गई, डकैतियां डाली गई, उन सभी को जाकर मध्य प्रदेश में समर्पण किया। और तो ये पहली बार नहीं हुआ कि एमपी यूपी का बदमाश एमपी में एक्सेप्ट कर रहा है। तो वहाँ इस कदर भ्रष्टाचार है कि सरकार किसी की रही, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो मध्य प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन पुलिस अधिकारी वही रहे और नेता वही रहे। अवनीश, आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानपुर कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे के 2 सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ओम प्रकाश, अनिल पांडे गिरफ्तार किए गए हैं। चौबेपुर पुलिस ने